का स्पेशल बहुत ही खूबसूरत थिएटर। पानी में तैरते हैं, ये देखिए गाइस। आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, लेकिन डिफरेंट आज ये है कि जयपुर हेरिटेज के अंदर एक और अचीवमेंट जुड़ गई है। ये है अपना खजाना महल, जो कि अपनी विविड और बहुत ही डिफरेंट आइटम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है जयपुर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी। सो आज मैं इसका कंप्लीट टूर देने वाला हूँ आपको कि इसके चार्जेस क्या हैं, क्या टाइमिंग्स वगैरह हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर और क्या क्या अंदर आप देख सकते हैं। सो चलिए आइए करते हैं खजाना महल का कम्प्लीट टूर। सो इसकी जो प्रॉपर लोकेशन है गाइस, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच है और ये है जल महल के जस्ट थोड़ा सा आगे, इन फ्रंट ऑफ जल महल, और साथ ही साथ होटल ट्राइडेंट के जस्ट पीछे गुजर घाटी के अंदर। सो चलिए आइए चलते हैं और आपको पूरा टूर करवाते हैं। सो ये देखिए, ये है इसका एंट्री गेट। तो बिल्कुल सराउंडेड है बहुत ही खूबसूरत वैली से, अरावली रेंज से, और ये रहा। ये देखिए गाइस, सो अंदर घुसते ही यहाँ पे आपको पार्किंग फैसिलिटी वगैरह सारी मिल जाएगी। राइट इन साइड पे सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा वो है वेटिंग एरिया। दूसरा, यहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। सो टिकट के प्राइजेस मैं आपको भी बता देता हूँ। सो यहाँ पे एक बार ये देखिए खजाना महल टिकट विंडो। सो भैया चार्जेस क्या है? 350 पर पर्सन इंडियन एंड फॉरनर 1000। फॉरेनर 1000 और 350 पर पर्सन इंडियन। और टाइमिंग्स वगैरह क्या रहती है? कोई टाइमिंग लिमिट नहीं है, वैसे आपको 40 से 45 मिनट का टूर होता है। वैसे आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग टूर कर सकते हैं, फोटोग्राफ के अलावा, लेकिन वीडियोग्राफ के अलावा नहीं। ओके, सो टिकट अपन ने ले लिए गाइस, और अब जो अंदर जाने का टाइम है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ की एंट्री का जो टाइम है वो है सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक, और ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहेगा। सो आप किसी भी दिन आके एंजॉय कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर। चलिए आइए चलते हैं अंदर। अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लीनिनेस मेंटेन है, बहुत ही ज़्यादा हिजीनिटी रख रखा है गाइस। जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगी वो है फैसिलिटीज एरिया। यहाँ पे आपको वॉशरूम एरिया दिया गया है, किसी को इमरजेंसी में जाना पड़े तो आप आराम से जा सकते हैं। सो चलिए आइए और चलते हैं अंदर। सो ये देखिए, सो यहाँ पे म्यूज़ियम पड़ेगा इस तरफ से, हेरिटेज वॉक, पिकॉक गार्डन, लेपार्ड पॉइंट, हार्ट स्विंग और वंडरपूल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने वाली। और ये देखिए गाइस, वाओ, हार्ट स्विंग, हर एक चीज़ बहुत ही यूनिक है। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, कितनी सुंदर खूबसूरत अरावली पहाड़ियों से रेंज। वो देखिए, वो रहा अपना खजाना महल। ये देखिए गाइस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस विच आई हैव एवर केम। बहुत ही खूबसूरत जगह मेंटेन करी हुई है। तो ये हो रही है एंट्री गाइस अपनी। सो टिकट अपन ने ले लिए और यहाँ से अब अपन जा रहे हैं अंदर। तो हेलो एवरीवन, तो अब हम आ चुके हैं अंदर, और सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी वो है यहाँ की नीट एंड टाइडनेस को मेंटेन करना, अपनी हाइजीनिक को मेंटेन करना। सो उसके लिए आपको शू कवर मिलते हैं, सो ये आपको पहन के जाना होगा विदाउट फेल। सो यहाँ पे अगर आप ये नहीं पहनोगे तो आपको अंदर जाने को मिलेगा नहीं। अब ये है इनका एक एंट्री गेट, और यहाँ पे मेन हॉल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इसका डेकोरेशन देखिए, द वॉल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और ये एक बहुत ही खूबसूरत सेल्फी पॉइंट भी है।
अब जो सबसे पहली चीज़ जो आपको टूर इस खजाना महल के टूर करने से पहले स्टार्ट होगी वो होगी इस सिनेमा हॉल में, जो कि इनका एक प्राइवेट सिनेमा हॉल है अराउंड 20 सीटर्स। इसके अंदर आपको 10 मिनट में पत्थर का इतिहास दिखाया जाएगा कि पत्थर को तराशा कैसे जाता है और किस तरीके से आपके तन पे आता है, इन फॉर्म ऑफ नेकलेस, इन फॉर्म ऑफ रिंग्स, इन फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट या फिर किसी भी फॉर्म के अंदर। सो चलिए अभी हम लेकर चलते हैं आपको और आगे और दिखाते हैं बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें। सो ये है जयपुर, अपना बहुत ही खूबसूरत जयपुर, और यहाँ पे दिखाया गया है जयपुर बहुत ही पुराना, कितने साल पुरानी फ़ोटो, 150 ईयर ओल्ड पुरानी फ़ोटो है, और इसको 3D आर्ट में कन्वर्ट किया है इस पूरी वॉल के अंदर, ये देखो वाओ। और यहाँ पे काफ़ी टूल्स वगैरह रखे हुए हैं, ये काफ़ी पुराने टूल्स हैं जो कि पहले टाइम पे यूज़ किए जाते थे, देखिए गाइस ज़बरदस्त। अंदर चलते जाएंगे तो ये इंडियन रूबी के आर्टिफैक्ट्स आपको दिखते जाएंगे गाइस, और बहुत ही खूबसूरती से तराशे गए हैं, नक्काशी की गई है इनकी ज़बरदस्त, और ये है गणेश जी की। सो सबसे ख़ास बात इस मूर्ति की ये रहेगी कि ये एक सिंगल पीस में ही इसको पूरा तराशा गया है, इतनी शानदार कारीगिरी आपको कहीं और नहीं दिखने वाली, सिर्फ खजाना महल के अलावा। चलिए आइए चलते हैं आगे। सो गाइस ये है सिनेमा हॉल, जिसमें अंदर जाके पहले आपको 10 मिनट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और फिर उसके बाद आगे का पूरा टूर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही फिनोमिनल है और बहुत डिफरेंट है, ऐसा टूर आपने पूरे जयपुर में कहीं नहीं देखा होगा। सो गाइस ये है इनका स्पेशल बहुत ही खूबसूरत थिएटर, जिसमें आपको 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा रिलेटेड टू द स्टोन्स और जितनी भी मेहनत होती है उस स्टोन्स के ऊपर। सो चलिए आइए, अब यहाँ पे 10 मिनट का सेशन होने के बाद आपका टूर स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको क्या क्या फॉलो करना है और क्या क्या नहीं फॉलो करना, जो कि एथिकल नहीं है। सो प्लीज़ रीड दोस इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली और फिर उसके बाद अपना टूर स्टार्ट कीजिएगा। अब आ गए हैं अपन वर्ल्ड ऑफ जेम स्टोन्स, जो कि बहुत ही खूबसूरत है गाइस। सो सबसे पहले तो ये देखिए आर्ट गैलरी, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, आपको ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके की स्टोन्स देखने को मिलेंगे और बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ आपको जेम्स एंड ज्वेलरीज की भी देखने को मिलेगी, जैसे आपको नेटिव कॉपर। सो ये इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, और ये पूरा का पूरा एरिया आपको पूरी लॉबी अलग अलग डिफरेंट जेम स्टोन्स और स्टोन्स के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल प्लेसेस इन खजाना महल, इसके अंदर आपको रखा गया है मेट्रोइड, जो कि आकाशगंगा से धरती पर आया हुआ है, और इन्होंने बहुत ही प्यार से सजो के इसको यहाँ पे रखा हुआ है आप सभी के लिए। दिस इज़ ऑल्सो अ स्टोन एरिया, सो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ी लॉबी है, हर एक चीज़ बहुत डिफरेंट यूनिक मिलती जाएगी। ये सारा एरिया स्टोन वे है, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से, मैम ये क्या चीज़ है एक बार वापस बताइए, ये नवग्रह के आइडल्स हैं, तो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, हर किसी का प्रतीक यहाँ पे मेंशन किया गया है। पे यू विल सी अ लॉट ऑफ वेराइटीज, नॉट ओनली रिलेटेड टू द स्टोन्स बट कोरल से किस तरीके के स्टोन्स बनाए जाते हैं, किस तरीके की ज्वेलरी आपको दिखाई जाएगी, वो भी बहुत डिफरेंट है, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कोरल से रिलेटेड भी कोई ज्वेलरी बनाई जाती है। सो ये था गाइस अपना पूरा स्टोन सेक्शन, ये सारा आर्ट ज्वेलरी और स्टोन सेक्शन था। अब जो अपना नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है मैम, वो कौन सा सेक्शन है, इन्फिनिटी रूम। सो गाइस अब अपन चल रहे हैं इन्फिनिटी रूम में, और यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं अपनों के साथ बहुत ही खूबसूरत वीडियोज़, नॉट वीडियोज़ ओनली फोटोज़, बिकॉज यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है।
सो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फोटोज आएंगी। मैं आपके साथ एक एग्जांपल भी शोकेस कर दूंगा जो कि हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले क्लिक करी। ये देखिएगा, ये है इन्फिनिटी रूम। सो वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आइए चलते हैं आगे। अब जो अपने नेक्स्ट सेक्शन में आए हैं दैट इज स्टैम्प्स एंड पोस्टकार्ड गाइस, वो है खजाना महल के अंदर ही। और ये देखें, चलिए आइए चलते हैं अंदर। ये देखें, वाओ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डिफरेंट। ये सारे पोस्ट कार्ड्स आपको, ये सारे स्टैम्प्स हैं जो कि जेम्स और ज्वेलरी से रिलेटेड ही हैं, और वो सिर्फ आपको यहीं पे दिखने वाले हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डायमंड की अगर कट वैल्यू 10 होती है, सो रूबी की कट वैल्यू, मतलब डायमंड जितना हार्ड होता है रूबी भी उतना ही हार्ड होता है, सो रूबी की कट वैल्यू इट इज़ नेक्स्ट टू डायमंड। सो अगर आप कट करने के मार्क्स देंगे डायमंड को 10, सो आउट फ 10 रूबीज विल स्कोर 9। लेकिन उसके बाद में भी ये जो कार्विंग्स है ये हैंड क्राफ्टेड है, यानी कि हाथ से तराशी गई हैं। सो इतनी मेहनत करी जाती है हमारे जयपुर के कलाकारों द्वारा। सो ये सारी की सारी यहाँ पे प्रदर्शन की गई है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। ये देखिएगा इस, नाउ गाइज वी आर गोइंग टू देयर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एरियाज। सो इनका है ये दरबार हॉल, तो चलिए आइए चलते हैं अंदर। वाओ, हम आ गए हैं दरबार हॉल में। दरबार हॉल को यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है बॉलीवुड ज्वेलरी। यहाँ पे आप जितनी भी ज्वेलरीज देखोगे सभी बॉलीवुड में यूज्ड है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ, माधुरी दीक्षित जी ने पहनी थी, अब हम चलते हैं यहाँ से 16 श्रृंगार सेक्शन में। हम कहते हैं 16 श्रृंगार, बट जो पहले की रानियाँ थी या फिर आप कह सकते हो जो टोटल ज्वेलरीज हुआ करती थी, वो यहाँ पे आपको एक मेंशन किया गया है चार्ट में, जिसमें आपको 48 के आसपास बताया है। मतलब 48 टाइप के, हाँ, टाइप ऑफ ज्वेलरीज या फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक लेडी है जिसको हम 16 श्रृंगार में हम देख सकते हैं। फिर कुछ ज्वेलरीज हैं अलग अलग ब्राइडल की, अलग अलग जगह पे अलग अलग के हिसाब से सब लोग ज्वेलरीज पहनते हैं, वो आप यहाँ पर देख रहे हो। अब हम यहाँ से चल रहे हैं कुंदन मीना सेक्शन में। कुंदन मीना जो है ये ज्वेलरी जो है सबसे जयपुर का सबसे फेमस आर्ट है, जिसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड के जो कट होते हैं, जो हम कहते हैं कि डायमंड को यूज मतलब करते हैं, बट उसके यूज़ होने के बाद उसका एक थोड़ा सा पीस भी रहता है, तो वो बहुत यूज़फुल चीज़ है जो आप यहाँ पर देख सकते हो कुंदन मीना की ज्वेलरीज में। वर्ल्ड के टॉप जो डायमंड है 55, उनके टॉप रेप्लिकाज रखी हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप सेंटर में देख सकते हो कोहिनूर। ये उसी की रेप्लिका है। हाँ, और जितने भी डायमंड्स यहाँ पे मेंशन है इट इज ऑफ एग्जैक्ट साइज एंड शेप, या जो यहाँ पे मेंशन है। तो ये दुनिया के सबसे बड़ी डायमंड्स की रेप्लिका है। अब हम आ गए हैं क्रिएटिव एंड ट्राइबल ज्वेलरी। यहाँ पर आप देखते हो क्रिएटिव सेक्शन, हमारे जो लोग हैं वो इतने क्रिएटिव हैं
कि अलग अलग जगह पे अलग अलग ज्वेलरीज बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो घास की ज्वेलरी, फिर है रिसाइकल्ड ब्रास एंड कॉपर, कालबेल या जो हम ऊंट को पहनाते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो, फिर तिब्बत की है और पाकिस्तान में जो कच्छ है वहाँ की ज्वेलरीज है। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर कुछ ज्वेलरीज देखते हो जो काफ़ी पुराने टाइम की है। यहाँ पे आपको सिल्वर का पूरा सेक्शन बताया है, गाइस ये सबसे खूबसूरत एरिया है क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ये सब स्टोन वर्क है। जैसे कि आप दीवार पे देख रहे हैं ये स्टोन कार्विंग है और ये पत्थरों का ही डिज़ाइन बनाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत है, ये गणेश जी रूबी रॉक पे तराशे गए हैं, बहुत ही खूबसूरत रूम है। ये देखिए यहाँ पे अपन ने ये पूरा कवर कर लिया है खजाना महल और बहुत ही फैसिनेटिंग रहा गाइस, जर्नी वॉज वे टू फैसिनेटिंग और बहुत ही यूनिक जर्नी है। अगर आप जयपुर में कुछ डिफरेंट और बहुत ही यूनिक करना चाहते हो, एक टूर के अलावा देर आर अदर एक्टिविटीज़ एज वेल जो कि आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो क्योंकि एरिया बहुत ही बड़ा है और इन्होंने आपके टोटल इन्जॉयमेंट का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। सो अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं सो वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। सो चलिए अब हम चलते हैं बाहर वाले एरिया पे और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पे आपको क्या क्या अवेलेबल हैं, सो उनके भी अगर कोई चार्जेस हैं तो क्या क्या चार्जेस अवेलेबल हैं। सो टूर अपन ने कर लिया है गाइस और अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। सो ये है इसका एग्जिट जो कि बहुत ही खूबसूरत गेट बना रखा है। सो चलिए आइए चलते हैं। वाओ सो एग्जिट भी इतनी खूबसूरत रख रखी है, सो यू विल नॉट एक्सपेक्ट दैट। वाओ नॉट जस्ट अ म्यूजियम इट्स एन एक्सपर्टीज एट नागर फोर्ट। सो यहाँ पे आपको जयपुर वैक्स म्यूजियम का भी थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप या फिर एडवर्टाइज देखने को मिल जाएगा और ये यहाँ पे वो डार्ट्स माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। हल्की हल्की झलक हर एक चीज़ की दी गई है, मतलब इवन इफ़ यू आर एग्जिटिंग दिस खजाना महल तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप रुके रुके जा रहे हैं, पूरा बंदोबस्त आपका किया गया है। सो आ गए गाइस, ये आ गए अपन बाहर गाइस और बाहर आते ही सो देर आर डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़ विच यू कैन इन्जॉय। सो यहाँ पे आपका मैजिक शो है, यहाँ पे पपिट शो है जो कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया है। सो यहाँ पे मैम इनके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं होते, देर आर नो अदर चार्जेस। सो यहाँ पे आप आके बैठ के अपने राजस्थान का हेरिटेज फील कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये देखिए मौसम देखिए, एम्बियंस देखिए यहाँ का और लोकेशन तो क्या कहने यार, वाओ। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो हम आ गए थे बाहर, एग्जिट कर लिया था और यहाँ पे एक वॉकवे दे रखा है। सो यहाँ पे है राम सेतु फ्लोटिंग स्टोन और ये बिल्कुल ओरिजिनल है जो कि आपको एक्चुअल स्टोन है जो पानी पे तैरता है। देखिए सो देखिए ये देखिए गाइस ये वो है पत्थर जो पानी में तैरते हैं। ये देखिए गाइस सो ये पानी में तैरने वाले पत्थर हैं जो एक्चुअली में फ्लोट कर रहे हैं। ये देखिए एक बार देखते हैं, ओ यार मतलब है कितना हैवी है ये, ये हाथ से भी नहीं उठाया जा रहा और ये देखो ऊपर आ गया और ऊपर तैर गया। वाह एनी तुम देखना हाँ ये देखो आ गया वो बहुत डिफरेंट चीज, बहुत यूनिक चीज, ये सिर्फ गाइस आपको यही देखने को मिलेगा खजाना महल के अंदर। सो आइएगा ज़रूर यहाँ पे और इन्जॉय ज़रूर करिएगा, वर्थ ईच एंड एवरी पेनी है।
टूर तो अब हमने कर लिया है खजाना महल का, अब हम आ गए हैं इनके खेल गांव में, जो कि यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं और काफ़ी सारा चीज़ें हैं जो कि आपको एंगेज रख सकती है पूरा दिन और आप मज़े कर सकते हैं एक अच्छे खासे टूर के बाद। सो ये इनका बोर्ड गाइस, जिसमें आपको जिप लाइन 1 राइड 200, 2 राइड 350, 3 राइड के 450, क्रिकेट में 2 ओवर 150, 3 ओवर 200, 4 ओवर 250, आर्चरी 5 चांसेस रुपीज़ 150, शूटिंग 5 चांसेस 100, रिंग थ्रो, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है और यहाँ पे आप ढेर सारा इन्जॉयमेंट ले सकते हैं। सो गाइज अब हम जा रहे हैं ज़िपलाइन देखने के लिए। सो ज़िपलाइन के हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। सो हर एक चीज़ एज अ प्रोफेशनल यहाँ पे ध्यान रखी गई है, सो दैट कहीं आपको किसी भी तरीके की चोट ना लगे। तो अब जा रहे हैं गाइस ज़िपलाइन, 1 2 3। ये देखिए गाइस, इस तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं। होपफुली गाइस ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और टूर तो इसका जबरदस्त लगा होगा, साथ ही साथ इसके जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो तो जबरदस्त ही लगे होंगे आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो आते रहिएगा और ऐसे ही देखते रहिएगा हमारी वीडियोस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।